नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है, काफ़ी दिन से हम यहाँ टिकरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पर कवरेज दे रहे हैं। जो यहाँ के हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से माहौल है किसानों का, वहाँ की जो खबरें हैं, सच्चाई है, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा से भी किसान पहुँचे हुए हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं जो KMP कुंडली मानेसर हाईवे है, वहाँ साइड में जो पेट्रोल पम्प है वहाँ पर ठहरे हुए हैं कालावण गाँव के कुछ किसान। यहाँ पर काफ़ी दिनों से इन्होंने भंडारे का भी आयोजन किया गया, लंगर लगाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति आए और लंगर की जो सेवा है यहाँ से चख सकता है। हमारे साथ कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का, लंबा आंदोलन है, सबसे ऐतिहासिक लंबा आंदोलन, इतिहास में दर्ज होगा ये आंदोलन। बात करते हैं क्या कहते हैं इस आंदोलन के बारे में कुछ युवा है हमारे साथ। हमारे साथ कुछ युवा है, क्या कहते हैं जो आंदोलन चला हुआ है और यहाँ पर जो ठहरे हुए हैं, पूरी व्यवस्था पूछेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब कैसा माहौल है यहाँ पर, जो टिकरी बॉर्डर है उसे आप पीछे बैठे हुए हो, कैसा माहौल देखने को मिलता है? बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। बाकी अपने जो किसान भाई है सारे अपना गला है, लग रहे हैं उठे जाता को नहीं, ठीक है, ठंड हो चाहे गर्मी हो, हाँ मोल जम गया तो ठीक है। हाँ भाई, यहाँ भाई कौन जा सकते भाई? हाँ जी भाई साहब, क्या कहना है, आंदोलन काफ़ी लंबा है, ऐतिहासिक होगा, इतिहास रचने वाला है आंदोलन और रचेगा इतिहास। सफलता मिलेगी आपको जिस प्रकार से लड़ रहे हैं किसान, एक सूत्र में बंधे हुए हैं किसान। हरियाणा हो या पंजाब हो या फिर UP हो, जो भी स्टेट पड़ता है, सभी किसान मिलकर अलग अलग बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्या लगता है कितनी लंबी होने वाली है लड़ाई? भाई साहब पहले बात तो सपना राम राम भाई, कितने लंबा संघर्ष हो जियो, लेकिन हम उठने वाले नहीं है, हम अपना हक लेने खातर आ रहे हैं, लेकर जाएंगे। बहुत से ज़्यादा नशिंगा में लोग और भी बहुत आने लग रहे हैं, आंदोलन और भी बहुत तेज होने लग रहा, लेकिन पछे नहीं हटाएंगे। दिल्ली में भी बढ़ना पड़ जियो, चक्की में हो जियो, माँ में हमारा हक लेकर हटाएंगे। लेकिन दिल्ली में बढ़िया कोई कोई जमा बढ़ गया नहीं, दिल्ली में कानी को करे भी। अच्छा अच्छा, राम 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 भाई साहब, जो आंदोलन है लगभग 9 राउंड हो चुके हैं, वार्ता जो सरकार के साथ होती है, लेकिन सरकार के साथ जब वार्ता होती है सिरे नहीं चढ़ती, क्या कारण है, कहां पर पेच फंसता है, क्या सरकार की मंशा कोई अलग है या काम नहीं करना चाहती, जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द? भाई साहब कानून मैंने नहीं बनाए दिए हैं कानून, यदि आप नहीं लेना चाहते तो मैं क्यों बनाए हैं। इवी उन्हें कह रहा है MSP केरल में लागू है, केरल में मंडी ये को नहीं है, MSP लागू कर रखा है, उड़ा फायदा के ला क्या, ऐडा मंडी है ऐडा MSP लागू नहीं कर रहा, ये बात तो मायने है। जब हमने नहीं लेना चाहते हो कानून तो ये धक्का तो क्यों दे रहा है? ठीक है, और वह बात है कि अंबानी ने 120 किले सोनीपत में ले रखे हैं, स्टोकन खैतर लिए होती है और क्या करना होती है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, जैसे गुरु नाम चुड़नी अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने कुछ बायोकाट किया था, जैसे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हो गए, जियो हो गए अंबानी के, जैसे पेट्रोल पंप हो गए, तो कितना इफेक्ट देखने को मिलता है सरकार के ऊपर? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जी। बाबा रामदेव का जो, बाबा रामदेव नहीं है वो, लाला रामदेव है, पहले बाबा रामदेव होया करता था, लाला रामदेव बन गया वो। हाँ, और जो जियो है उसके ऊपर पूरा असर पड़ेगा। पंजाब में खबर आई थी, सरकार के व्यक्तियों ने बोला है कि पंजाब के अंदर टावर तोड़े गए हैं किसानों ने, कितनी सच्चाई है इस बात में? रिलायंस के तोड़े है, रिलायंस का जो भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, अंबानी का अडानी का, अरे पंजाब में नहीं हरियाणा में ही बंद करेंगे हम। नहीं बंद तो करे, तोड़ने की बात हो रही है, तोड़े नहीं है, तोड़ा किसने है? तोड़े नहीं है। अच्छा अच्छा, तोड़े नहीं, उनके कनेक्शन काटे गए, कनेक्शन काटे गए, बायकट हमने सिम तोड़ दी है। फिर ये अफवाह किसके द्वारा फैलाई जा रही है? ये तो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है ना, आप जैसे पत्रकार है आप हमारे ले रहे हो, वो दिखा नहीं रहे कुछ भी, वो एक कोरोना को दिखा रहे हो, अब भी कोरोना को दिखा रहे हैं वो गोदी मीडिया वाले है, जी न्यूज हो गया और भी बहुत से गोदी मीडिया जो बिकाऊ चैनल इनके BJP के, वो बस इनको दिखा रहे हैं, किसानों को बिल्कुल नहीं दिखा रहे। अच्छा, कितने दिनों से सड़कों में बैठा किसान। पैसा राम पैसा, जिस प्रकार से जो आगू है गुरुनाम चुड़नी होगी और जो कमेटी है, आप क्या लगता है वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? सही चल रहे हैं। जिस प्रकार से जो आंदोलन है, किस दिशा में जो जा रहे हैं आंदोलन की, जिस प्रकार से रूपरेखा तैयार होती है उनके लिए, क्या लगता है आपको सही दिशा में है वो? सही दिशा में चल रहे हैं। सही दिशा में। अच्छा, जो आंदोलन चला हुआ है काफी दिन से, इन्हें बीच कुछ सुनने में आया था भी कुछ शरारती तत्व आते हैं, क्या लगता है ये सरकार की मंशा है आंदोलन बिगाड़ने की? हाँ, आंदोलन बिगाड़ने की मंशा है। ठीक है,
सरकार से आंदोलन। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? आंदोलन लगातार खींचा जा रहा है और 56 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? वो शहीद हमारे किसान आंदोलन में ही शहीद हुए हैं, अमर हुए हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन सभी जातियों के लिए है, एक के लिए नहीं है। ये किसान आंदोलन पूरे भारत में, पूरे उसमें विश्व में है। ये इस आंदोलन के चर्चे सभी जगह पे हिंदुस्तान में, विदेश में सभी जगह चर्चे हो चुके हैं इस आंदोलन के। देखिए, पहले ये किसान आंदोलन था, अब ये किसान आंदोलन ना रह के जन आंदोलन बन चुका है, ठीक है ना? एक इसमें दो लाइन है, चाल दिखाऊँ तना नज़ारा अन्नदाता किसान का, दिल्ली के मैं डंका बाजा मजदूर किसान का, सब देवों में देव निराला किसान हिम्मत वाला है, जनता गिरा बंद किस्मत का एक पल में खुला ताड़ा है, अन्नदाता की कृपा से मारा जीवन कटा आराम का, दिल्ली के मैं डंका बाजा मजदूर किसान का। किसान के ट्रैक्टर ट्रैली ने ऐसा असर दिखाया है, दूर बाजगी गोदी मीडिया भारत में नया मोड़ियो आया है, भारत में नया मोड़ियो आया है। बिंदर नैन तू चाल बावड़े क्यों इतना घबरावा है, वो होता है किस्मत वाला जिसने किसान बुलावा है, जिसने किसान बुलावा है। अन्नदाता की कृपा से मारा जीवन कटा आराम का, दिल्ली बॉर्डर पर डंका बाजा मजदूर किसान का। जिंदाबाद हरियाणा भाईचारा, जिंदाबाद पंजाब भाईचारा। आप देख सकते हैं भाई ने 4-5 लाइनें बताई है, पंक्ति के माध्यम से संदेश दिया किसानों को, किस प्रकार से डटे हुए हैं बॉर्डर पर और लड़ाई लड़ रहे हैं किसान मजदूर। ताऊ जी ये बात करते हैं, ताऊ राम राम। राम राम भाई, क्या कहना है जो मोदी मारी लड़ाई है? मोदी का है, मोदी का। हाँ अच्छा, एक बताओ हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है आपके साथ कितने पक्ष में आई है? बस पूछा नहीं लो, आपके पक्ष में है नहीं है? पक्ष में नहीं, मारे पक्ष में कोई नहीं। अच्छा हमारा मतबल है सरकार है। अच्छा कुछ दिन पहले बात आई थी कि जितने भी विधायक है उनका बायकॉट किया जाएगा, क्या ऐसा कुछ? नहीं लगो तक से मारा कुछ नहीं। अच्छा, मारे सारे बैठ गए। अच्छा, जो आपकी किसानों का साथ दे रहे, जैसे अपने बलराज कुंडू जी है, महम से विधायक है, क्या लगता है सर उनकी कितनी सच्चाई है सर? कुछ नहीं, किसी में भी कुछ नहीं, बकाए लो सबकी। हाँ, झूठे वादे है, ठीक है ठीक है। माम तो जिमिंदर के बच्चे। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी बार बार बयान देते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हक में। हमारा साल है भाई। अच्छा, खिलाफ हाँ सरकार के खिलाफ जरूर डालूंगा। अभी बात की थी जो काड़वंज गांव से आए हुए हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूरा का पूरा ट्रेला आया हुआ है और इस पे आप ले सकते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और ये काड़वन तपा बिनायन खाप की तरफ से पहुंचा है, और यहाँ पर हर वो सामान, यहाँ जो आंदोलन चला हुआ, हर वो सामान जो डेली लाइफ में यूज होता है व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, हर वो सामान इनकी तरफ से यहाँ पर भंडारे में, लंगर में दिया जाता है। हर जो व्यक्ति ज़रूरत होती है जिस सामान की, खाने पीने की जो भी सामान होता है वो देने के लिए यहाँ पहुँचे, और इन्होंने लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। फिलहाल भाई से बात करते हैं। भाई राम राम। राम राम। क्या कहना भाई साहब, जिस प्रकार से आंदोलन काफ़ी लंबा चल गया है और काफ़ी बार बातचीत भी हुई है सरकार के साथ, लेकिन अब की बार कह रहे हैं भी जो 26 तारीख आएगी वहाँ दिल्ली के अंदर एंट्री करने की कोशिश की जाएगी, कितना क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अच्छा हाँ, 26 तारीख ने फिल्टर पैड दें सारे। अच्छा हाँ। किस दिशा में आंदोलन? दिशा में यह है 26 तारीख ने उड़ा झंडा वहाँ में लहरावांगे। अच्छा हाँ, मोदी ने निवेदन दे रहा है। अच्छा, जितना भी लंबा चला है चल ले जाओ, साल का दो साल का सारा राशन जा रहे हैं उड़े, मतलब सारे फिल्टर पैड जाएंगे। विश्वास है आपका पहले से कितना बड़ा है, कितना कमजोर? फुल विश्वास है ना, यो घटदा फुल विश्वास है जमा। अच्छा, आप हरियाणा से हो, कालन से हो, कितना मतलब हरियाणा वालों को सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट फुल मिल रहा है, फुल आवे है लगभग रोज 15-15, 20-20 ट्रैक्टर आवे हैं, ठेले आवे हैं, रोज आवे हैं डेली। अच्छा, आप देख सकते हो जो आंदोलन होता है, कई बार कोई भी आंदोलन होता है उसमें जो आसपास के लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, उनको डर होता है कि किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना ना हो, लेकिन जो आपका आंदोलन चला हुआ किसानों का अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन शांति प्रिय तरीके से चला हुआ है, मतलब कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल शांति प्रिय से चला हुआ। आगे कैसा चलेगा सर? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, 26 जनवरी ने एक जलवाहा दिखा देंगे अगर नहीं माना मोदी, बाकी शांति प्रिय चलेगा। अच्छा, जो ऊपर से डायरेक्शन आती है अपने जो कमेटी है ऊपर बैठी है, हाँ, जो आगू है, हाँ, भारतीय किसान यूनियन के कमेटी बनी हुई है, 42 मेंबर की, 5 मेंबर हाँ, की, अलग अलग, तो क्या आपके पास कोई सूचना आई है आगे के लिए या 26 तारीख?
सुनवाई के लिए? वो जो भी बैठी हुई है वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इतनी उनके इतनी जनता बैठी है, लाखों में जनता बैठी है, उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे। ठीक है, हाँ धन्यवाद भाई। क्या नाम है? सुमित। भाई साहब नमस्कार, कौन से गाँव से हो? कालवन से जी। कालवन से। अच्छा, जो आपके ये किसान के जो आगू हैं लगे हुए हैं, क्या लगता है वो सही तरीके से बात की जा रही है? अगर बात सिरे क्यों नहीं चढ़ रही है? बात मतलब क्या क्या कारण है कि बात सही है या गलत है इनकी? नहीं, बात तो की जा रही है लेकिन समझ नहीं रहे वो, वाले नहीं मान रहे। लेकिन एक ही बात को बात बार दोहराया जाता है। मान लीजिए आपने कोई बात करनी है, लेकिन आपका सिर्फ यही फैसला है भाई मैंने तो 3 कानून रद्द करने हैं, उससे ऊपर कोई बात नहीं है, फिर भी बार बार बात की जाती है। क्या कारण है सर, आपकी तरफ से कमजोरी है या उनकी तरफ से कमजोरी है? वो हमें इसके फायदे गिना रहे हैं, वो तो नहीं गिना रहे कुछ भी। अगर अच्छा। जमीन नहीं जाएगी, अब ये तो पहले भी नहीं जा रही थी। अच्छा, तो ये 3 कानून है वापस ले लो। अलग अलग तरीके से आंदोलन तोड़ने की कोशिश है हर बार, अलग अलग तरीके, वही पुरानी बात है उनकी। जो किसान बैठे हो इनको कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कुछ कुछ नाम से दिया जाता है इनके, बीजेपी के जो बात है, जो यूपी बिहार में नहीं जेरी 800-900 रुपये बिक रही है बिहार। अरे माम ने देखे मारे मंडी में रोज के 10-10 ट्रक आए हैं मंडी में, प्यार जीरी 800 रुपये बिकी है और 8 रोज के डेली 10-10 ट्रक डेली आए करते क्लाइथ मंडी में। ठीक है, और कुछ कहना इसी सरकार के बारे में? सरकार तो नकम्मी है जी। और बहुत बहुत तारा धन्यवाद हमारे हो गोदी मीडिया आंदी को नहीं। एक बात और कहना था भाई तारा में, बड़े भाई यू ट्राला देखो कैलाख का है, किसान ले कर रहे हैं। अरे बड़े भाई मैं ड्राइवर हूँ, किसान का बेटा हूँ, ड्राइवर हूँ मैं। और मैंने इंडिया में जैसे स्टेट है नहीं 27-28 सारा मैंने हैंड का देख रखे, हरियाणा पंजाब की तो कड़ियाँ वो को नहीं, रीस नहीं है मतलब स्टेट, हाँ स्टेट नहीं है अन्न तो मतलब कि किसान ने पैदा कर सका है, मोदी और नहीं कर सकते। क्या नाम है? सुरेश। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ की कवरेज दिखाई है, कालवन तपा बिनैन खाप से आए हैं और ये यहाँ पर लंगर की व्यवस्था इन्होंने की गई है। आप देख सकते हो केएमपी कुंडली मानेसर जो हाईवे बढ़ता है यहाँ पर ठहरे हुए हैं। राम राम भाई, क्या कहना है जिसका सरकार के बारे में? किसान ठंड के अंदर बिठाए हुए हैं रोड के ऊपर, 4 साल बिठाई ठहरी सी तो तब 15 साल बिठा लियो रे भाई, इतना नहीं देता हुआ चिन्नू मान। अरे भाई इसके इतने इसके आर्ट नहीं काम करने चढ़ते नहीं इतने यूरे है किसान और रोड के ऊपर बिठाते हुए किसानों को ही बोला जा रहा है भैया किसान नहीं, 700-700 रुपए दिहाड़ी पे बुलाए गए हैं ऐसे बोला जा रहा है। लंगर दिख लिया जाता है समय है, लंगर जाने लग रहा नहीं सबका, हमने तो पता है रियलिटी का, रियलिटी का हमने तो पता है। वो लोगों को जवाब दो क्या यहाँ पर बर्फ पड़न लग जाओ तो भी ये किसान है, असली किसान है, जाजुआन गांव है, जींद जिला है, मोर साहब हूँ और ऐडे रहूंगा उस दिन तक, जान भी जाओ की नहीं देनी है। ठीक, और बताओ खालिस्तान को नहीं किसान ना, किसान पूरा फिल्टर पैड का जाओगे इतना मारा के नहीं मिलता नहीं इतने दान दे। तो देखते रहिए एनजी न्यूज हरियाणा, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।